यकीन है कामिल की मेरी तमाम मोहतरम बहनों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू है नाफरमान औलाद को कैसे आप फरमा बरदार बना सकते हैं। वो मर्द या वो खवातीन जो इस वजह से परेशान रहते हैं कि उनकी औलाद उनका कहना नहीं मानती, नाफरमान हो चुकी है, अपनी मनमानी करती है, गलत कामों में पड़ चुकी है और वालदैन की बात नहीं मानती, तो उस औलाद के लिए उन बच्चों के लिए बहुत प्यारा छोटा सा अमल है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी आयत मुबारक है जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह यकीन मानिए अगर आपका कामिल यकीन है, अगर आप इस आयत को जैसे बताया जाए वैसे पढ़ लेते हैं तो अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से नाफरमान औलाद उम्मती होगी, फरमा बरदार होगी। आपको बताऊं इस आयत मुबारका को आपने किस तरह से पढ़ना है ये नोट फरमाइए। सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी कीजिए, हर नमाज के बाद आपको इस आयत मुबारका को पढ़ना है। पढ़ते हुए आपने ज़ुर्रियती लफ्ज़ पर आए तो आपने अपनी औलाद का उस बच्चे का तसव्वुर करना है जो बात नहीं मानता, कहना नहीं मानता। तो मैं आपको बताती हूँ वो आयत क्या है और इस पर आपने ज़ुर्रियती लफ्ज़ पर आते हुए तसव्वुर करना है। हर नमाज के बाद इस आयत को पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी असलिह ली फी ज़ुर्रियती। फी ज़ुर्रियती, आपने इस पर अपने उस जो औलाद है, बेटी है, बेटा है, उसका तसव्वुर करना है कि वो आपकी बात माने। उसके आगे आपने इस आयत को मुकम्मल करना है और वो है इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। फिर से आयत मुबारक समाप्त फरमाइए। रब्बी असलिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। सूरह अहकाफ की ये आयत मुबारक है, इसको पढ़िए इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से वो बच्चा या बच्ची जिसके लिए आप इस आयत को पढ़ रहे हैं आपका फरमा बरदार होगा। सूरह अहकाफ की आयत आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको छोटा सा अमल पसंद आया होगा और इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा भी देगा, लेकिन आपका यकीन कामिल होना चाहिए। इसको पढ़िए, अपना ख्याल रखिए और यकीने कामिल की वीडियोस को देखने के लिए यकीने कामिल चैनल को विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ दिए गए घंटी के निशान को दबा लीजिएगा, इसको इससे आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह निगहबान।